अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आप में से कोई मुझे बताता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? वालेकुम सलाम। मैं बड़ी ढंग है आप सुनाई। मैम, हमने लास्ट क्लास के अंदर ना सेट मिसमैच का क्वेश्चन किया था और एक और क्वेश्चन सार किया था और फिर मीटिंग एंड हो रही थी। पहले कौन सा क्वेश्चन किया था? सेट मिस मैच थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप उसको? वो मैम हमें ना एक एरे दी गई थी, तो उसमें क्या था कि मतलब एक 1 2 n नंबर्स थे एरे में। तो हमने क्या करना था कि उस एरे के अंदर यानी कि जितने भी नंबर्स थे ना, यानी कि 1 2 n, वो सारे यूनिक नंबर्स थे। तो उन्होंने क्या एरे में, एरे जो दी हुई थी ना, उसमें एक नंबर जो था वो डुप्लीकेट था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1 2 3 4 एरे है ना, तो उसमें जो हमें गिवन एरे थी वो थी 1 2 2 4, यानी 3 मिसिंग था, एक नंबर डुप्लीकेट और एक मिसिंग था। तो हमें फाइंड करना था कौन सा नंबर डुप्लीकेट आ रहा है और कौन सा नंबर मिसिंग आ रहा है। ठीक है। हाँ, वो हमने किया, अप्रोच सॉल्व किया था। अच्छा, आज अभी हम लोग जो करने वाले हैं, मैं एक सेकंड बस ओपन कर रही हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली हम लोग जो लास्ट टाइम कर रहे थे वो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायगनल सम किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी डायगनल। आप इसी क्लास की बात कर रहे हैं? आप 9 PM वाले नो सेशन की बात, मैम, आप किसी और सेशन की बात कर रहे हैं, राइट? मैम 9 PM पे ही किया था, जुमे वाले दिन। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ना स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन भी आई गेस इसको डिस्कस किया था, या उससे पहले एक दिन डिस्कस किया था। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन हम अपने स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को एक तो प्रॉपरली देखेंगे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम लोग ओके, लेट मी शेयर दिस वाइट बोर्ड, और जहाँ पे हम लोग एक दफा देख लेंगे बेसिकली स्ट्रिंग कैसे वर्क करती है। हम लोगों ने एक चीज देखी थी, स्ट्रिंग जो थी वो हमारे पास जो थी वो इम्यूटेबल थी, और मैं ऐसा करती हूँ कि स्ट्रिंग्स मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि हम लोग इसको प्रॉपरली देख सकें। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हम लोग आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। यानी आप लोगों को इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू के अलावा आप लोगों को जो है वो ये चीज़ पता होनी चाहिए, किसी कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आपको ये काम करते हुए स्ट्रिंग के साथ डील करते हुए ये चीज़ें पता होंगी, तो आप एक बेहतर कोड लिख सकते हो इन जनरली। ठीक है, तो मैं फिलहाल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हम
हमारे पास जो है वो हम लोग जो है वो स्ट्रिंग, क्योंकि इसकी बिल्ट इन होती है तो मैं इसको ना स्ट्रिंग्स कर लेती हूँ। स्ट्रिंग इसकी एक सेकेंड, हाँ प्लीज, मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रही हूँ। प्लीज, मैं यहाँ नई हूँ ना, मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारी क्लास में आई हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि ये क्लास किस कोर्स के लिए है। सॉरी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशी है और मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारी क्लास में आई हूँ ना, तो तुम मुझे सिंपली ये बताओ कि ये तुम्हारी क्लास किस कोर्स के लिए है। मीन तुम जावा पढ़ा रही हो, तुम पाइथन पढ़ा रही हो, मशीन लर्निंग पढ़ा रही हो? अच्छा मैम, आप सॉरी इफ इट इट विल लुक्स लिटिल रूड, लेकिन आप मुझे आप कह सकती हैं। तो बहुत छोटी हूँ मुझसे। और सेकेंडली हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेसिकली ये जो चल रहा है सेशन, ये है उसका बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का। इसमें हम लोग लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, आई मीन वी आर नॉट फोकसिंग ओनली विद दी जावा और पाइथन। इनफैक्ट जो है हम लोग कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज हम स्ट्रिंग का ही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हाँ, अगर हमें जो स्ट्रिंग्स हैं उसके साथ डील करना है, तो हाउ द बेसिक स्ट्रिंग्स डील इनसाइड द मेमोरी, एंड हम उसको उसके थ्रू डिफरेंट लीट कोड के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड यही यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम अपना डेटा स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ, इनफैक्ट वी ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ दैट स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर, ताकि हमारा वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और बस यही हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है इस दिस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन दैट इज रनिंग ऑन 9 to 10 PM। ओके, मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, मीन तुम लोग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करते हो। यस, इट्स बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कोर्स है। ओके, लैंग्वेज स्पेसिफिक हम काम नहीं करते। मतलब कोई सी भी हाँ लैंग्वेज का तुम लोग वो उठा लेते हो, मीन जावा हो, पाइथन हो, किसी का भी, मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इन डेप्थ तुम लोग देख लेते हो। नहीं, लैंग्वेज तो हमें एक चाहिए चाहिए जिसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे, बट डेफिनेटली ये तो मैं कह रही हूँ, मीन जावा या पाइथन या आर लैंग्वेज, मतलब स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है ना। चलो जी ऐसे ही कंटिन्यू करो, मैं देख रही हूँ। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, तो हम लोग देख रहे थे स्ट्रिंग्स के बेसिक, तो आई वाज चेंजिंग इट टू चेंजिंग नेम, बिकॉज हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग जो है वो बिल्ट इन होती है, ये डेटा स्ट्रक्चर है, तो हम इसको ना मैं फोल्डर का नाम दी स्ट्रिंग कर ले रही हूँ। तो आप लोगों के लिए भी लाइव इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता हो कि आपने जो है ना वो स्ट्रिंग जो है वो तो इसको कैसे देखना है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ओके, मैं एक बना लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ना भी याद कराना है, हम लोगों ने ना इसको पाइथन में भी देखना है, ठीक है। मगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप लोगों ने मुझे याद करवाना है। और
लोग हैं जी। ठीक है, लेट मी चेंज द डायरेक्टरी। क्या लिखा हुआ है? इसमें है जावा। ओके, तो मैं आप लोगों को हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग पहले क्रिएट करते थे। फॉर एग्जांपल str1, जिसे हम लोग लिख लेते हैं, कोई भी नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से टॉनिक। ठीक है, नाउ लेट्स राइट अनदर स्ट्रिंग दैट इज str2, एंड इसी इसमें भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं टोनी। ठीक है, और एक और स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, जिसमें str3 के नाम से, विद अ वेरिएबल विद न्यू कीवर्ड, एंड लेट्स से के इसमें भी हम लोग स्टोर कराते हैं टोनी। ओके, नाउ लेट्स कंपेयर कि क्या ये तीनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि इफ str1 इज इक्वल टू str2, तो तुम क्या करोगे, तुम प्रिंट कर दो बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, राइट। ठीक है, अच्छा एल्स क्या करो, बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, राइट। ठीक है, इसी तरह हम लोग अब कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम लिखते हैं str1 इज इक्वल टू str3, तो बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अदरवाइज बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। देखें जरा, हम लोगों ने अभी तीन स्ट्रिंग्स डिक्लेयर की हैं। ठीक है, एक str1, एक str2 एंड एक str3, और हमारे पास जो है वो तीनों में हम लोगों ने सेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग स्टोर करवाई है। ऐसा ही है क्या, है टोनी टोनी। अच्छा, इस बात पे भी कंफ्यूज ना हो आप, सॉरी, इस बात पे भी आप कंफ्यूज ना हो कि हम लोगों ने ये जो है दिस ओरिजिनल मीन समथिंग इसमें नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली तो हमारी इसमें तीनों में एक ही चीज स्टोर है, जो कि हमारे पास क्या है, टोनी। अभी अभी तक आप कहेंगे कि हाँ वे तीनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, क्योंकि तीनों में सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर है। जब हम लोगों ने इसको कंपेयर किया
SDR 1 को SDR 2 के साथ उन्होंने, तो हम अब चेक करेंगे क्या दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं। इसी तरह हम SDR 1 का SDR 3 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस कोड को ना रन करके चेक कर लेते हैं कि इन एक्चुअल क्या हो रहा है। ओके, मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया। ओके, अच्छा, मैंने ना यहाँ पे एक बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल एंड बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, नाउ लेट्स रिकम्पाइल इट। ओके, अब आप देखें ये है रिजल्ट जो इसका शो हुआ है। पहले के केस में उसने बोला है कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, यानी STR 1 और STR 2 इक्वल हैं, जबकि उसने बोला है कि STR 1 और STR 3 इक्वल नहीं है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि उसने क्यों बोला है? हालांकि तीनों में एक ही किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर है, वाई जो है वो कंपाइलर ये कह रहा है कि STR 1 एंड 2 तो इक्वल है, लेकिन STR 3 जो है वो इन STR 1 के इक्वल नहीं है। व्हाई इज इट सो? पता है आप लोग में से किसी को इसका? मेरे ख्याल से यहाँ पे रेफरेंसिंग का मसला है, क्योंकि जो पहली दो वैल्यू है जो मेरे ख्याल से एक चीज को रेफरेंस कर रहा है, और वो जो आपने तीसरा जो बनाया नया कंस्ट्रक्टर के साथ, वो नया एक स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है, तो मेरे ख्याल से दोनों के जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग है, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसमें बिल्कुल ऐसे ही है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे एनोटेशन लेने दें। बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे पास जो एसटीआर जो जब हम लोग जो बेसिकली स्ट्रिंग है, जब हम लोग कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो होता ये है कि हमारे पास एक मेमोरी होती है, वो होती है स्टैक, और दूसरी होती है हमारे पास हीप, ठीक है। जो स्टैक है सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है STR 1, तो हमारे पास क्या हुआ, STR 1 यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैं S1 लिख रही हूँ अभी फॉर द टाइमिंग। STR 1 इधर कंप्लीट हो गया और यहाँ पे क्रिएट हो गया, और साथ ही इसने हीप में जाके स्टोर कर दिया टॉनी, ठीक है। और इस STR 1 ने इस टॉनी को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, ये पहले लाइन ऑफ कोड के बाद, ठीक है। इसी तरह जब हम लोगों ने STR 2 क्रिएट किया तो यहाँ पे स्टैक में एक दोबारा से एक रेफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। एक लोकेशन की, एक हीप की एक लोकेशन क्रिएट हुई जिसका नाम STR 2 था, और इस रेफरेंस ने पॉइंट, इसने भी पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया स्टोनी को, ठीक है। जब हम लोगों ने इसे न्यू कीवर्ड के साथ किया तो बेसिकली एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इंस्टेड के वो इसको पॉइंट आउट करता, बेसिकली क्या हुआ, एक नया टोनी क्रिएट हुआ मैपिंग, ठीक है। एक नया टोनी क्रिएट हुआ जब हम लोगों ने न्यू कीवर्ड के साथ इसको डिफाइन किया, ठीक है। और इस STR 3 ने बेसिकली इंस्टेड के वो इस टोनी को पॉइंट करता है, इस न्यू ऑब्जेक्ट को उसने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास है ये कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास स्ट्रिंग्स क्रिएट होती है ना, वो आप यू में कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर हम लोग विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो होता यह है कि यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट हो रही होती है और उसकी लोकेशन जो है वो हम एक स्टैक में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उस स्टैक में जो है वो लोकेशन लोकेशन पड़ी होती है, ठीक है, और ये लोकेशन पॉइंट आउट कर रही होती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इस चीज को, जब हम लोगों ने कंपेयर किया या
कंपेयर किया कि SCR1 इक्वल है SCR2 के, तो वो बेसिकली दोनों पॉइंट आउट कर रहे थे एक ही मेमोरी लोकेशन को, हीप में एक ही मेमोरी लोकेशन को, तो दोनों दोनों का इसलिए जो है वो रिजल्ट सेम आया। लेकिन इन दोनों का रिजल्ट इसलिए सेम नहीं आया कि जो हमारे पास डायरेक्ट ऑपरेशन, ये जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे हम इंटीजर को क्रिएट करते थे तो हम कहते थे इफ 1 इज इक्वल टू 1 और इफ 10 इज इक्वल टू 10, हम ये इक्वल के साइन से हम कंपैरिजन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग में हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखें, चाहे हमारे पास यहाँ भी टोनी पड़ा हुआ है, चाहे यहाँ भी टोनी पड़ा हुआ है, तो क्या वो एक्चुअल स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहा था? नहीं, वो एक्चुअल स्ट्रिंग का कंपैरिजन नहीं कर रहा था। अगर तो वो स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहा होता, TONY का कंपैरिजन कर रहा होता, तो फिर दूसरे के केस में भी वो TONY इज इक्वल टू TONY। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम वो सारे ऑपरेशन जो हम लोग ऑन एन इंटीजर परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम स्ट्रिंग पे परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको बात समझ में आ रही है ये? तो हम इसके लिए जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एक करेक्टर को निकाल के देखेंगे कि आइदर दिस करेक्टर इज इक्वल टू द अदर करेक्टर विच वी वांट टू, एंड डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे, राइट? वो आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी अभी आपको ये क्लियर है कि कैसे स्ट्रिंग जाके वो मेमोरी में स्टोर होती है? बेसिकली एक तरफ स्टैक होता है, एक तरफ हमारे पास जो है वो हीप होती है। हीप में एक्चुअल स्ट्रिंग स्टोर होती है और स्टैक में उसका अगर रेफरेंस स्टोर होता है। ये क्लियर है आप लोकेशन लोगों को? जो है स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई कर रहा है, अगर हमें ये लोकेशन नहीं, हमें सिर्फ अल्फाबेट्स को करना हो, लाइक टोनी इज इक्वल टू टोनी, तो फिर ये क्या रिप्लाई देगा? हम लोगों ने अभी अभी इसी का ये किया है। ये STR1 इज इक्वल टू STR1 हम लोगों ने 2 लिखा है, इट्स मीन दैट हम लोग यही लिख रहे हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है क्या वो इक्वल है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एग्जैक्ट वर्ड्स का करना है, तो फिर हमारे पास ये देखें, हमने वी ट्राई टू कंपेयर इन एक्चुअल, तो हम लोग यही करना चाह रहे थे ना कि टोनी को हम वैल्यूज को कंपेयर करना चाह रहे थे, लेकिन हम ये इज इक्वल टू का परफॉर्म ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये परफॉर्म करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम लोगों ने इस पे काम करना है, लेकिन हम ओके, मतलब यहाँ जस्ट जो वो जो गेट ऑपरेशंस वेरीफाई हम कर रहा है इंटीजर पे कि कैसे परफॉर्म कर सेम सकते थे, नहीं वो है। हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके यस अच्छा, अगर यहाँ हम ओके STR2 की जी वैल्यू चेंज करें तो क्या STR1 में भी वैल्यू चेंज हो जाएगी या उसकी वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है ना। अगर हम यहाँ पे टोनी की बजाय लेट्स से के सोनी कर देते हैं, तो फिर एसटीआर यहाँ पे SONY की एक और स्ट्रिंग बनेगी, और ST S2 टोनी की बजाय SONY को पॉइंट करेगी। यानी इसका मतलब है वो S1 को चेंज नहीं करेगा। नो, बिल्कुल भी नहीं। देखें, लेट्स से कि हमारे पास ये, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम ना इसको ना SONY कर देते हैं, ठीक है? तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे ना, अच्छा ठीक है, यहाँ ठीक पे ठीक हो गया। SONY बनेगा, ठीक है? SO1, और फिर हम इसको इसके साथ करेंगे, ये इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट नहीं करेगा फिर, ठीक है? क्लियर? ओके, अभी ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग आगे मूव करें। ठीक है। ये हमारे पास बेसिक जो है वो मेमोरी का स्ट्रक्चर है। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली, ये जो S1 और S2 जो था वो एक ही उसको पॉइंट कर रहा था, इसे हम इंटर्निंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंटर्निंग है, इस कॉन्सेप्ट का नाम इंटर्निंग है, INTERNING, ठीक है? इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में, तो आप लोगों को बताना चाहिए। अच्छा,
अब हम लोग चलते हैं अपनी लीट कोड की, क्योंकि हाफ हाफ एन आवर रह गया, तो एक लीट कोड की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कल दोबारा से स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को मजीद रिवाइज करेंगे। हम लोगों ने इसको पाइथन में भी देखना है, राइट? तो अभी हम लोग ना स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि मैं आप लोगों को ना साथ साथ क्लियर भी करती जाऊं कि चीजें कैसे चल रही हैं। अच्छा, अब देखें, एक क्वेश्चन है स्ट्रिंग कंप्रेशन का, वो क्या है? वो ये है कि गिवन एन इंटीजर अ करेक्टर कम एक अरे होगी करेक्टर्स की, कंप्रेस इट यूजिंग दी फॉलोइंग एल्गोरिदम। हम लोगों ने इसे कंप्रेस करना है, जैसे हम लोग को फाइल अपनी होती है उसको जिप करते हैं ना, बेसिकली वो कंप्रेशन हम लोग परफॉर्म करने लगे। अब हमारे पास क्या है? बीइंग विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर ईच सॉरी बिगिन विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग एस फॉर ईच ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव रिपीटिंग कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर एरे, इफ द ग्रुप्स लेंथ इज वन, अपेंड द कैरेक्टर टू एस। अगर तो उसकी लेंथ वन है तो हम लोगों ने उसको एज इट इज जो है वो अपेंड करना है, अदरवाइज अपेंड द कैरेक्टर फॉलोड बाय द ग्रुप लेंथ। ठीक है? द कंप्रेस्ड स्ट्रिंग एस शुड नॉट बी रिटर्न सेपरेटली बट इंस्टेड बी स्टोर्ड इन द इनपुट कैरेक्टर अरे कैरेक्टर्स, नॉट दैट ग्रुप लेंथ दैट आर और 10 और लॉन्गर विल बी स्प्लिट इनटू मल्टीपल कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर। आफ्टर यू आर डन मॉडिफाई द इनपुट अरे, रिटर्न द लेंथ ऑफ द अरे। अच्छा, यहाँ पे आइए, देखते हैं क्या क्या कहता है। ये जो बात उसने की है वो एक्चुअल में क्या है? वो ये कह रहा है आपके पास एक इनपुट में इस तरह की एक अरेगी बनोगी, ठीक है? आप लोगों ने रिटर्न क्या करना है? आप लोगों ने रिटर्न करना है ए, कितने टाइम आया है? 1 2, तो आपने ए 2 रिटर्न करना है। बी कितने टाइम आया है? मेगा काउंट बी 1 एंड 2, नाउ बी 2 लिखेंगे। एंड सी 1 2 3, तो हम सी 3 लिखेंगे। बेसिकली हम लोगों ने ये रिटर्न करना है, ठीक है? आउटपुट क्या होगी? रिटर्न 6 6 एंड द फर्स्ट 6 करेक्टर्स ऑफ द इनपुट अरे शुड बी A2 B2 C3। ठीक है, जितने नंबर ऑफ करेक्टर होंगे उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, लेकिन एक और उसने बात ये की है कि अगर हमारे पास जो ग्रुप की लेंथ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से के एक अरे स्ट्रिंग आई है जो कि है ए बी और सी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग आई है जो कि है ए बी और सी, ठीक है? अगर मैं इसका, क्योंकि हम काउंट करके तो उसके आगे लिख रहे हैं, तो अगर हम इसको ऐसे रिटर्न करें ए 1 B1 B1 एंड C1, ठीक है? तो ये तो कंप्रेस होने की बजाय डीकंप्रेस हो गया, मतलब 3 करेक्टर्स रिटर्न करने चाहिए थे, तो हम लोग क्या रिटर्न 6 कर रहे हैं, तो वो कंप्रेस तो ना हुआ, हम तो बेसिकली कंप्रेस कर रहे हैं ना। तो फिर उस सिनेरियो में हम लोगों को एक, क्योंकि एक दफा आया तो ए ही रिटर्न करना है, बी एक दफा आया बी ही रिटर्न करना है, सी एक दफा आया सी ही रिटर्न करना है, ए बी सी, इनपुट भी ए बी सी होगा और आउटपुट भी ए बी सी होगा। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर? किसी का मैं कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, अंडरस्टैंडिंग में? तो अगर इनपुट हमारे पास मतलब ऐसे हो ए बी सी फिर ए बी सी ले कंजेक्टिव ए ना हो तो मतलब उसमें भी आउटपुट हमें सेम ही जनरेट ऐसे मतलब हम फिर कर सकते हैं लाइक उस में हम पे कैसे करेंगे। अच्छा, उसने ना हमारे हमें एक ये कहा हुआ है, फॉर ईच ग्रुप ऑफ कंजेक्टिव रिपीटिंग करेक्टर्स,
हमारे पास जो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसने बोला हुआ है कि हमारे पास जो है वो कंसेक्यूटिव रिपीटिंग करेक्टर्स आएंगे। यूं नहीं होगा कि एबीसी अलग फिर देन एबीसी होगा देन, मतलब जो एक करेक्टर एक दफा आएगा उसी उसके रिलेटेड जो है वो सेम करेक्टर अगर रिपीट हो रहा तो वही आगे उसके आएगा। अगर लेट से जैसे आपका एक क्वेश्चन है तो फिर उसका उसकी टेक्निक चेंज होगी। अभी तो हमने इसी अप्रोच को फॉलो करना है, उसी क्वेश्चन को टैकल करना है ना जो गिवन है। जो आप कह रही हैं वो भी एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम किसी और तरीके से सॉल्व होगी, तो उसके लिए वो जब हम सॉल्व करेंगे तो मतलब एक अलग टेक्निक से सॉल्व करेंगे। अभी अभी का जो क्वेश्चन है वो यही है, अभी की जो प्रॉब्लम गिवन है वो ये है कि आपके पास एक तो जो इनपुट अरे गिवन होगी वो एक वो कंसेक्टिव रिपीटिंग करेक्टर्स होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, करना क्या है कि अगर उसकी लेंथ, अगर करेक्टर की लेंथ 1 है, एलिमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता ए ए बी 1 टाइम आता और सी आगे 3 टाइम आता, तो हम क्या करते, हम लिखते ए ए 2 बी और C3। अगर कोई करेक्टर एक दफा आया तो हम इट इस करेक्टर अपॉइंट करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे उसका काउंट करेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को वो चीज समझ नहीं आई तो फिर वो पूछ सकता है। तो तुमने एग्जाम्पल करवाई है, मीन जो समझाया था, तो ये जो लीड कोर्स से तुम प्रॉब्लम उठा रही हो ये सिमिलर तो नहीं है? ये सिमिलर है, हम लोग स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को ही देखेंगे। लेकिन स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, लेकिन वहां पर तो हम इंडेक्सेस के कॉन्सेप्ट को नहीं देख रहे थे कि वो इक्वल नहीं है? हम लोगों ने आज स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आज से शुरू किया है, हम लोग उसकी बेसिक भी क्लियर करेंगे, उसके साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा आज एंड वाला लेक्चर नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट वाला लेक्चर है आज। एंड वाला लेक्चर नहीं है, स्टार्ट वाला लेक्चर है। ओके बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमने चीजें कुछ और समझी हैं, प्रॉब्लम हम कुछ और कर रहे हैं, तो इसलिए दिमाग ना बहुत ज्यादा हिल गया। आप लेक्चर में अभी कुछ लेक्चर्स लें, आपको समझ आ जाएगी, नहीं, मैंने लिए हैं पहले लीड आपको कोर्स के समझ आ लेक्चर जाएगी। लिए हैं, डेटा स्ट्रक्चर के भी लिए हैं, ये सारे लिए हैं, लेकिन बस मैं कंफ्यूज ये हूँ कि हम अभी जो हम पढ़कर आ रहे हैं वो एक डिफरेंट पैटर्न था, और यहाँ हम सोल्यूशन किसी और चीज का कर रहे हैं, कि इसमें कितने सिमिलर चीजें आ रही हैं तो उसकी रिपीटेशन का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हम वो नहीं करते कि ये देखें इंडेक्स? मैम, एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे ये अपना मैच करेंगे लेटर, ठीक है? अगर हम लोगों को यही आइडिया नहीं है कि हम कैसे करें ये, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, हम लोगों ने ये एक लूप लगाना, हम लोगों ने हमें सीख लिया है कि हम कैसे जो है वो आइट्रेट करते हैं विद इन एन अरे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे हम लोगों के कंपैरिजन करना है, हम लोगों को चेक करना है कि क्या वो करेक्टर जो है वो मैच कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है ये कॉन्सेप्ट देखा था जो कि इसके साथ बिल्कुल रेलिवेंट मैच है, ठीक है? यहाँ भी हम स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और यहाँ पे भी हम लोग दो स्ट्रिंग्स जो है उसका कंपेरिजन कर रहे हैं कि क्या वो इक्वल है या नहीं, तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये सब से जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ तो समझने की कि इंडेक्सेस और करेक्टर, मतलब ये दोनों सेम टॉपिक हैं। इंडेक्सिंग हमने जो देखी है वो हम लोगों ने स्ट्रिंग की ही इंडेक्सिंग देखी है मैम, हम लोगों ने उसी को डिटेल में देखा है। अगर आपको वो बात समझ नहीं आ रही तो आप उसको छोड़ सकती हैं, लेकिन हमें नहीं, पता किसको होना छोड़ चाहिए कि दूँ, हमारे पास, मतलब इंडेक्सेस को हमें छोड़ दूँ कि करेक्टर को? आप
अब फिलहाल हमें ना लेक्चर में मूव ऑन करने दें, क्योंकि सिंपल सी लॉजिक ये है कि हमने जो अभी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट देखा है, वो हमने देखा है कि हमारे पास मेमोरी में स्ट्रिंग वर्क कैसे करती है, जो कि हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने आगे डील करना है विद दी टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड दी स्पेस कम्प्लेक्सिटी, और हम लोगों ने स्ट्रिंग का नहीं कंपैरिजन नहीं वो करना मैं है, तुम्हारी बात को बिल्कुल अच्छे से इंडेक्स समझ की रही हूँ, जो। और तुमने इंडेक्सेस बहुत अच्छे से समझाए भी। तो मैं समझी तुम लीट कोड का वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगी जिसमें इंडेक्सेस की इक्वलिटी आ रही होगी, लेकिन तुमने वहां पर लीट कोड मतलब लाइक इस एक समझाने में तुमने उस चीज को वो किया कि लाइक हम इंडेक्सेस को देख रहे हैं, इंडेक्सेस सेम नहीं है, दैट्स वो कह रहा है कि नो दे आर बोथ नॉट इक्वल ना। अभी हम आ गए हैं स्ट्रिंग को, तो वो जैसे वो कह रहा था तुमने लिखा था सोनी और टोनी, तो वो चेंज करने से भी कोई इश्यू नहीं आ रहा था बिकॉज दे आर बोथ डिफरेंट इंडेक्सेस मतलब ठीक है, दैट्स व्हाई। तो मैं समझी कि तुम लेट कोड का वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगी, मुझे दोनों चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस चीज पर हूँ कि वहां तुमने ये चीज डिस्क्राइब करी, यहाँ तुम ये चीज डिस्क्राइब कर रही हो, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। मुझे पहले कोई समझ बात नहीं, ठीक है चले हम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को क्लियर हो गया कि हम लोगों का अल्टीमेट टास्क क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर होगी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो योर स्टूडेंट जो है वो एक्सप्लेन करेगा प्रॉब्लम को कि व्हाट इज दी एक्चुअल थिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व। हम ये कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब इस तरह से कंप्रेस कर रहे हैं कि जो कंजेक्टिव रिपीटिंग करेक्टर्स हैं उनको लेट्स सपोज अगर ए ए 2 बार आया तो हम ए के साथ 2 लिखेंगे, जैसे बी अगर 3 बार आया तो बी 3, और सी अगर 4 टाइम्स आया तो सी के साथ 4 करके, तो हम करेक्टर्स को मतलब एक तरह से कम करके कंप्रेस करके हम इस तरह से देंगे। अब हम लोग जो है ना सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे आते हैं और हम लोग लगाते हैं अपना लूप, जो कि हमारे पास स्टार्ट होगा 0 से और करेक्टर की लेंथ तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट आ रही है ना बेसिकली वो हम लोगों ने आइट्रेट कराना है इस अरे में, ठीक है। तो इस अरे का जो है हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, और जो भी इस अरे की लेंथ होगी वहां तक जो है हम लोग इसको लूप को आइट्रेट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग उसके बाद हम लोग जो है वो एक करेक्टर जो है उसमें, एक सेकेंड क्या, ओके उसके बाद हम लोग जो है अपना एक लेटर जो है वो स्टोर करवा लेंगे, इन जो पहला लेटर है वो स्टोर करवा लेंगे अपने एक वेरिएबल में, ठीक है। उसका नाम जो है हम लोगों ने अभी फिलहाल रखा है लेटर, और हम लोगों ने इसी के साथ साथ उसका काउंट भी कर दिया है 0, क्योंकि हम लोगों ने अब इसकी अप्रोच को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है ना, अच्छा आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, जी मैम नजर आ रहा है। ओके। हम लोग जो है सबसे पहले इस पूरी अरे में आइट्रेट करेंगे, पूरी अरे में आइट्रेट करेंगे, और सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम ये 0 वाली लोकेशन पे आए, हम लोगों ने क्या करना है इसको स्टोर करवा लेना है इनटू अ वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने साथ ही इसका, क्योंकि इस करेक्टर का हम लोगों ने एक काउंट भी जनरेट काउंट वेरिएबल भी बना लेना है, ताकि हम इसका काउंट रखना शुरू करें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जब तक ये करेक्टर एग्जिस्ट करता रहेगा, हम लोग जो है वो लूप अपना ये वाला लूप जो है वो इस पर्टिकुलर लेटर के लिए जो है वो एग्जीक्यूट करते रहे, अनदर लूप, ठीक है। और भी जो है इसको हम करेक्टर की लेंथ तक चलाएंगे, ठीक है, और साथ साथ हम लोग जो है वो चेक करते रहेंगे
कि करेक्टर का आई वाला इंडेक्स जो है हमारे लेटर के साथ मैच करता है या नहीं, और लेटर में बेसिकली पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब हम हर अगले एलिमेंट का इस पिछले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे कि क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, अगर तो वो इक्वल हुए तो हम लोग जो है वो अपना काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे, और साथ ही हम आप अगले इंडेक्स पे भी मूव करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बेसिकली जो अप्रोच यूज हो रही है ना, वो पॉइंटर्स की अप्रोच यूज हो रही है। जैसे हम लोगों ने टू पॉइंटर्स पढ़ा था ना, ये बिल्कुल उसी तरह हम लोग कर रहे हैं कि हम अपने लूप को एक पहले पहले तो हम लोग बेसिकली कर ये रहे हैं कि हम पहला एलिमेंट जो भी होगा उसको अपने एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लूप आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर इस अगले एलिमेंट का कंपैरिजन हम पिछले एलिमेंट से करते हैं। अगर तो वो इक्वल है तो हम अपना काउंट प्लस प्लस कर लेते हैं, अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर जो है हम अपने बेसिकली लेटर को भी ही अपडेट कर देंगे। जब तक ये इक्वल है तब तक हमने काउंट प्लस प्लस करते जाना है, और इवन हम लोगों ने अपना इंडेक्स भी आगे मूव करते जाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? जब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, जब तक ये कंप्लीट हो गया, इक्वल आ रहा था, रन हो रहा था, काउंट भी प्लस प्लस हो रहा था, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास लूप भी आगे आइटरेट हो रहा था। जब ये ए इज इक्वल टू बी ये कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप ने रन करना बंद किया। तो हम लोगों ने क्या किया, फौरन से अपनी करेक्टर एरे में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने जो है लेटर है उसको अपेंड करवा दिया। ठीक है, अब ये हमारे ये आंस प्लस प्लस क्यों लिखा हुआ है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, इसी के साथ हम लोगों ने चेक किया। पहली बात है, सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टोर करवाना है ना, वो लेटर स्टोर करवाना है, क्योंकि हमारे पास जैसे इसमें गिवन था, यहाँ पहले लेटर स्टोर होगा और उसके बाद नंबर स्टोर होगा। ठीक है, नंबर स्टोर करने से पहले भी हम लोगों ने चेक कर लिया कि अगर तो काउंट प्लस वन है तो फिर जो है हमारे पास उसमें नंबर स्टोर करवा लेंगे, और अगर प्लस वन नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो उसमें उसको स्टोर नहीं करवा सकते इनटू नंबर। बेसिकली फिर हम काउंट स्टोर ही नहीं करवाएंगे, फिर हम लोग सिर्फ नंबर ही स्टोर करवाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, एक और बात जो है वो मैंने आप लोगों को बतानी है, और वो ये है कि अच्छा यहाँ पे आते हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग इसका कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग एक और क्लास का यूज करेंगे। वो क्लास है बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास, जिस क्लास का हम लोग अभी जो क्लास हम लोग अभी देखेंगे वो है स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर में बेसिकली, और स्ट्रिंग बिल्डर हम लोग क्यों यूज करेंगे उसके लिए भी मैं आप लोगों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम इस प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये जो चीज है ना, ठीक है, ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे लूप चला रहे हैं और कैसे जो है वो ऐड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को ना बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने, या स्ट्रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे स्ट्रिंग में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हाई चले जाती है, और हम लोगों ने उसको अवॉइड करने के लिए बेसिकली क्या टास्क परफॉर्म करना है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, फिर दोबारा हम उस क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ओके, ओके।
फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मेरे पास जी इस दौरान अगर कोई और पार्टिसिपेंट कुछ बताना चाहे या कुछ शेयर करना चाहे प्लीज आप कर सकते हैं तब तक। एम ए ऑडिबल जी मैम। हाँ मैम का शायद आई थिंक कोई नेट का इशू हो गया है। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ये ले लेता हूँ अपॉर्चुनिटी बोलने की। क्या वालेकुम सलाम हाल है सर। सब? ठीक जी है, सर, अल्लाह का शुक्र। अलहमद लाला। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर आज भी हमारे साथ, तो सर आप शेयर करेंगे कैसा रहा यूएसए में फर्स्ट सेमेस्टर? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहो। नहीं, मैंने कहा कुछ डिटेल शेयर कर दें। पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी कैसा था, चैलेंजेस क्या आए, पाकिस्तान में क्या यस चीज करने का सर। फायदा हुआ? जी सर, पढ़ाई के सिलसिले में जो असाइनमेंट्स होती हैं, यानी कि जो कोर्सेज आप लेते हैं उनके असाइनमेंट्स और क्विजेज जो होते हैं वो रिलेटिवली मुश्किल ही होते हैं और होते भी ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी हर क्लास जो है उस क्लास के एंड में आपको जो है एक होमवर्क मिलता है और उसकी डेडलाइन उसी क्लास की मिडनाइट होती है, तो वो आपको सबमिट कराना होता है। और हर वीक में दो क्लासेस होती हैं और हर वीक के अंदर जो है एक क्विज होता है। तो यानी कि एक क्लास जब आप लेंगे उसी दिन एक आपकी असाइनमेंट होगी जो आपने उसी क्लास के एंड में सबमिट करानी है। उसी दिन उसी वीक के अंदर आपकी एक और क्विज होगा जो कि उस लेक्चर से रिलेटेड होगा, और हर 3 वीक्स के बाद आपको एक बड़ा होमवर्क मिलेगा जो कि आपने जिसकी डेडलाइन एक और वीक होती है, वो आपने सबमिट कराना होता है। तो अगर आप 3 कोर्सेज ले रहे हैं तो आप इस सारे फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी ज़्यादा काम बन जाता है। और उसके अलावा अगर आपके पास GA है तो उसकी अलग से ड्यूटीज़ होती हैं, वो भी आपने करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक सब्जेक्ट था जिस तरह हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, तो उसके अंदर जो आपको बता रहा हूँ कि असाइनमेंट जो होती है वो किस तरह की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो असाइनमेंट मुझे मिली थी जिसकी डेडलाइन 1 वीक होती है, तो उसके अंदर आपने एक कंप्यूटर विजन के अंदर जिस तरह इमेज मैचिंग का एल्गोरिथम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मास्क दिया हुआ है और आपको एक इमेज दी है जी तो आपने वो डिटेक्ट करना है, तो इस तरह का पहला होमवर्क ये था। और सेकंड होमवर्क यह था कि आपने न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट करना है पूरा C++ के अंदर। सेकंड होमवर्क यह था। थर्ड होमवर्क यह था कि जो आपने न्यूरल नेटवर्क पीछे इम्प्लीमेंट किया था पिछले होमवर्क में उसको ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो परफॉर्म होता है उसको खास टाइम ड्यूरेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना है।
और जो एक सबसे यूनिक बात है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लीड कोड यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो लीड कोड के ऊपर आप अपना कोड लिखते हैं, उसे सबमिट करते हैं, तो टेस्ट केसेस रन होते हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो तो आपको कोड सबमिटेड होता है। तो इधर मेरी सबमिशन जो है इसी तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह मुझे न्यूरल नेटवर्क का होमवर्क मिला हुआ है, तो जो पूरा LMS है उसके अंदर मैं अपना कोड सबमिट कराऊंगा, और कोड सबमिट कराने के बाद वो जो कोड होगा उसके जितने टेस्ट केसेस हैं वो सारे रन हो गए, और अगर सारे पास होंगे तो आपके पास सबमिट का बटन वो शो होता है। अगर आपके टेस्ट केसेस सारे पास नहीं होंगे या जो क्राइटेरिया उतने पास नहीं होंगे, तो आपके पास सबमिट का बटन ही नहीं आता, तो आप असाइनमेंट सबमिट ही नहीं करा सकते जब तक आप उस असाइनमेंट को सही सॉल्व नहीं करेंगे। तो प्रोग्रामिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके पास अगर एवरेज नॉलेज है तो आप बड़ी स्ट्रगल करेंगे इधर, लेकिन अगर आपके पास एवरेज से थोड़ा ऊपर नॉलेज है और सेल्फ स्टार्टर हैं, आप खुद चीज़ें सीख लेते हैं, तो आप बड़ा ग्रो करेंगे। तो ये अच्छा आज एक्सेप्टेबल। आजिब, आप पाकिस्तान में तो आपने कभी टॉप नहीं था किया, तो यूएसए में मास्टर में आपने जीपीए कोड कैसे ले लिया? व्हाट वर द एडवांटेजेस यू वर हैविंग? आपको किस चीज का एडवांटेज हुआ जिसकी वजह से यूएसए में, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, पूरी दुनिया से अच्छे स्कूल्स के पढ़े हुए अच्छे IQ के लोग आते हैं और बड़े मोटिवेशनल होते हैं सारे के सारे, तो इसकी क्या रीजन है? इसमें आपको क्या एजर है बाकी लोगों पे जिसकी वजह से आपको ये सक्सेस मिली? इसका टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर शायद तो नहीं मैं दे सकता, लेकिन ये है कि US के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल आपका पेपर एक पूरा वीक होता है, उसके अंदर आप किसी भी दिन जा के पेपर दे सकते हैं। उसके अलावा दूसरा एडवांटेज जो मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि था मेरे पास, वो ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी माइंडसेट मेरा खुला हुआ था, यानी कि मैं हैकाथॉन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो हैकाथॉन में एक हैकाथॉन ऐसा था कि उसमें 24 घंटे का हैकाथॉन था, तो उसमें तकरीबन मैं 15 घंटे बैठ के लगातार मैंने कोडिंग की है। उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, वो उधर मैं काफ़ी स्टक था, तो उधर से जो मुझे कंपटीशन एक तरह से मिला, उसी किस्म का कंपटीशन इधर भी होता है लाइक क्लासेस के अंदर। तो इंटरनेशनली पहले ही पार्टिसिपेट करने से थोड़ा माइंडसेट शायद ओपन था इस वजह अच्छा, से। यानी कि एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि लीड कोड का आपको फायदा हुआ, यूअर फैमिलियर आपका स्टेमिना बना हुआ था, हाँ जी, और लीड दूसरा कोड, हैकाथॉन यानी कि इंटरनेशनल। हाँ जी लीड कोड, एक इधर कोटेशन भी यूज़ होती है, लीड कोड इज़ द नेम ऑफ द गेम, यानी कि लीड कोड बहुत बिल्कुल, ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान में भी कोटेशन नहीं पहुंची, पाकिस्तान में ही यूनिवर्सिटीज अभी कन्वेंस नहीं है, लेकिन अल्लाह करेगा आस्ता आस्ता हो जाए। तो हाँ, तो आज इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप इस पे पोस्ट लिखें और उसमें बताएं कि क्या कहते हैं कि लीड कोड और हैकाथॉन्स का एडवांटेज होता है, कम से कम आपके कुछ जूनियर्स, आपके पीयर्स, वो लोग जो आपको लिंक्डइन पे देखेंगे तो उनको अवेयरनेस मिलेगी, इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, फिर हम भी पोस्ट शेयर करेंगे तो हमें भी मिलेंगे। जी सर, इंशाल्लाह। तो चले जी, थैंक यू। और इसके अलावा थैंक्स टू, कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जिन्होंने 25 दिन का तगड़ा खाया है एडवेंट ऑफ कोड में। इट इज नॉट एन इजी कंपटीशन, ये इतना मुश्किल कंपटीशन है कि पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट ने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो क्योंकि बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, तो इसकी कमिटमेंट ज्यादा है। तो लेकिन ये अगर CV पे आ जाए तो इसका बड़ा एडवांटेज होता है, एडवेंट ऑफ कोड का वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड कॉम्पिटिशन। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त। तो क्या कहते हैं कि हमारे, मेरा ख्याल है कि मे बी राउंड अबाउट 100 स्टूडेंट्स एडवेंट ऑफ कोड में गए थे, जिनमें से काफ़ी सारों ने 25 के 25 दिन सबमिशन की है, और पाकिस्तान की जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो सारे हमारे स्टूडेंट हैं। टोटल कितने लोग थे एडवेंट ऑफ कोड में? I think 100,000 थे इस दफा, वो साथी करेक्ट करेगा जिसने ओरिजिनल नंबर देखे। सारे एग्जैक्ट तो नहीं पता, मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा कितने हैं, लेकिन 100,000 अच्छा, राउंड अबाउट तो जरूर थे। अब इससे ज्यादा थे शुरू में, तो मैं महा जैन अपने काफी सारे एडवेंट ऑफ कोड में क्या कहते हैं कि लीड किया है, तो मैं प्राउड ऑफ यू। तो थैंक यू सर। वो जो सर है, आपने इट्स भी नॉट इजी।
काफी मुश्किल काम हो जाता है। तो इट इज अमेजिंग अमेजिंग, क्या कहते हैं, माशाल्लाह हमारे बच्चों ने, क्या कहते हैं, आई गुड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। किसी का कोई और क्वेश्चन तो हम ले सकते हैं, वी हैव 1 मिनट। तो अब जितने लोग एडवेंट ऑफ कोड में गए हैं, प्लीज एक अच्छी सी पोस्ट ला दें, लेकिन सर वो इट उसी इज पोस्ट का बेटा है, मैंडेटरी। आपसे पूछ रहा था स्लैक पे, अगर आप बता दें तो। हाँ पूछें, क्या क्वेश्चन है। सर वो मैंने स्लैक पे आपको टैग किया था, बेसिकली हमारे पास जो रैंकिंग बन रही थी ना वो एक तो सर साथ की थी, साथ का प्राइवेट था, और वहाँ के पे ही अगर हम उन्हीं प्राइवेट पे अगर हम ग्लोबल स्कोर करते हैं ना तो फिर तो जो है वो फिर तो मैं टॉप पे आ रही थी फर्स्ट पे, और ठीक क्योंकि मेरा एक दिन है, जो था आप वो 45th बिल्कुल, मैं था। बताता हूँ, हाँ मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ जल्दी से। वो पाकिस्तान लीडर बोर्ड है, आप उसे कह सकते हैं, लेट अस कॉल इट अ पाकिस्तान लीडर बोर्ड, बेशक वो सर साद ने बनाया था, क्योंकि हमें अभी तक कोई और लीडर बोर्ड मिला नहीं पाकिस्तान का। सर तो वो दूसरी चीज, हाँ, उसी दूसरी में बात, ऑर्डरिंग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप वो वाला स्टाइल यूज करें जिसमें आप फर्स्ट आ रही हैं, बाकी लोग जिसमें आप वो वाला, सब लोग वो वाला स्टाइल यूज करें जिनमें उनकी रैंकिंग बेहतर आ रही है, दैट इज द रूल ऑफ थंब, ठीक है, क्योंकि, और उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करें और जो भी लिखनी है, तो गो अहेड एंड क्लेम दैट कि आपकी ये रैंकिंग आ रही है। सर वो उसमें ये नहीं होगा, मैं कह रही हूँ मैं वो टॉप पे आ रही हूँ, समवन एल्स इज सेइंग दैट वो टॉप पे आ रहा है, तो आपने अपनी वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देना जिस जिस स्टाइल से आप टॉप पे आ रही हैं। देखें, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या इंटरनेशनल एम्प्लॉयर है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता। तो ओके यू जस्ट स्टैंड ऑन योर फुट कि अच्छा किस किस क्राइटेरिया पे आपने क्या पोजीशन आ रही थी, दैट्स इट, ओके सर सही है। तो नो बडी इन्वेस्टिगेट, नो बडी हैज टाइम, जो बंदा क्लेम कर रहा है वो फर्स्ट आ रहा है, वो मैक्सिमम क्या होगा, सेकंड ओवर किसी को क्राइटेरिया से, थर्ड ओवर किसी को क्राइटेरिया से, लेकिन वो टॉप पोजीशन होल्डर है, तो दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स। ओके सर तो भी इसके बाद हमारी क्लास कोई नहीं आज 10 बजे, तो सर है देन लेट्स गो, नहीं अभी 10 PM पे क्लास है ना, तो लेट्स लेट्स गो टू दैट क्लास, इस सेशन को एंड कर दें, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू, गाइडेंस। थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।